नहीं है, डिजेबल में भी काम करेगा, बट आपको एक बार इसको ऑन करके ऑफ कर देना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बीच में पावर बटन को दबा देना है इस तरीके से। और दोस्तों जैसे ही पावर बटन आप दबाएंगे, खुशखबरी है आपके लिए कि आपका जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल अनलॉक हो चुका है, कोई भी पिन पासवर्ड पैटर्न नहीं। और देखिए गैलरी पे आप जाइएगा तो आप दोस्तों कैसे हैं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है माइंडिस्क। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं सैमसंग स्मार्टफोन के ऊपर, सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज, एफ सीरीज, कोई भी सीरीज हो, एस सीरीज हो, सैमसंग का फ़ोन अगर आपका लॉक हो गया है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे। चाहे आपने अपने फ़ोन में पिन पासवर्ड पैटर्न किसी भी तरीके का लॉक लगाया हो और आप पासवर्ड डाल रहे हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट पिन का मैसेज जा रहा है, तो ये आज का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप सैमसंग के फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे, वो भी बिना डेटा डिलीट किए हुए। जी हाँ दोस्तों, बिना डेटा डिलीट किए हुए कैसे सैमसंग के फ़ोन को अनलॉक करेंगे, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास सैमसंग कंपनी का जो भी फ़ोन है, यहाँ पे अगर इस तरीके का मैसेज आ रहा हो तो इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में आपको चल जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले FRP को आपको बाईपास करना हैज लगा के। आपको अपने फ़ोन में FRP बाईपास करने के लिए इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी। और ठीक नीचे कॉलिंग का ऑप्शन है, तो आपको इस कॉलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, एक बार कॉल करने के बाद *8#99 और हैज वाले ऑप्शन को क्लिक करके फिर से कॉल कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से कॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है। आपको मेडिकल इन्फो में चल जाना है। ये देखिए मेडिकल इन्फो में अननोन नेम का ऑप्शन है और ऐड टू मेडिकल इन्फो यहाँ पे ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। बट आपको कुछ नहीं करना है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन इसको यहाँ पे 3 बार, 1, 2 और 3, 3 बार स्क्रीनशॉट लेके शेयर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। अगर गलती से शेयर का ऑप्शन मिस हो गया, आपको फिर से पावर बटन वॉल्यूम डाउन को दबाइएगा और इस बार शेयर के ऑप्शन में चल जाइएगा। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन जब अनेबल हो जाएगा तो आपका काम 100% बन जाएगा। दोस्तों आपको शेयर वाले ऑप्शन पे चल जाना है, नियर बाई शेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको सेम उसी ऑप्शन में चले जाना है। और उस ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू का ऑप्शन। कंटिन्यू के बाद सी मोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। सी मोर का ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ऑप्शन आपके पास खुल गया तो वाईफाई को अनेबल कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक आपने वाईफाई को अनेबल जैसे ही किया, वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है इस फोन से। लेकिन आपको इसको अनेबल रहे या डिजेबल रहे इससे दोस्तों कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक मेथड है जो सिर्फ अनेबल रहने पे ही काम करेगा, ऐसा नहीं है डिजेबल में भी काम करेगा। बट आपको एक बार इसको ऑन करके ऑफ कर देना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बीच में पावर बटन को दबा देना है इस तरीके से। और दोस्तों जैसे ही पावर बटन आप दबाएंगे, खुशखबरी है आपके लिए कि आपका जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल अनलॉक हो चुका है, कोई भी पिन पासवर्ड पैटर्न नहीं। और देखिए गैलरी पे आप जाइएगा तो आपके सभी फोटोग्राफ्स, डेटाज, यहाँ पे जो भी वॉलपेपर थे सब के सब सेव पड़े हुए हैं, कुछ भी यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। तो जो लोग सैमसंग के फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देख लीजिए और एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।